आज जिला परिषद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो विशेष बैठक बुलाई गई थी वो अभी संपन्न हो गई और इसमें 11 में से 9 सदस्य उपस्थित थे। तो जो आरोप के बिंदु थे 5 थे, 5ों को पढ़ के सबको बता दिया गया और सबका मंतव्य लिया गया उन आरोप के बिंदुओं पर। तो सभी ने अपना मंतव्य दिया और आरोपों को ऑलमोस्ट सभी ने सही बताया। तो इसके बाद मत विभाजन भी कराया गया। मत विभाजन में कुल उपस्थित 9 सदस्य के द्वारा भाग लिया गया जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सभी ने अपना मत दिया। मतदान गुप्त तरीके से कराया गया। तो इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वो पारित हुआ बहुमत से और ये बैठक की कार्यवाही उसके बाद समाप्त की गई और आज से अध्यक्ष जो थे वो बैठक की कार्यवाही समाप्त होने के साथ ही आज से पदच्युत हो गए और जो पद है अध्यक्ष जिला परिषद लखीसराय का वो रिक्त हो गया। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अब आगे उसकी जो प्रक्रिया है जो सूचना दी जानी होती है राज्य निर्वाचन आयोग को वो भेजी जाएगी। उसके पश्चात उनका आएगा फिर प्रोग्राम तदनुसार आगे की। ये कितने दिनों में सर नया अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है? ये तो जो अधिनियम में जो टाइम होगा या जो राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा उसके अनुसार होगा। जिला प्रशासन अध्यक्ष की जो सुविधा मिले थी वो सारी सुविधा वापस ले ली जाएगी? अब तो पदच्युति हो गए, पद पे नहीं रहे तो सुविधाएं तो स्वतः समाप्त हो जाएंगी।